घटना की जानकारी क्या देना चाहेंगे? दोस्तों नमस्कार, आज हम भूत साहब से पहली बार मिल रही है। आप बीएपी के जिला अध्यक्ष हैं और इनके साथ में मैंने शंकर जी से बाइट ली थी। इनके साथ में जो झड़प हो रही है, पीला गमछा लाल गमछा जिन्होंने डाल रखा था सफेद वाला, उस घटना के चश्मदीद हैं। क्या कुछ हुआ था और जो प्रशासन कह रहा है हमारे पास में अभी तक वीडियो नहीं उपलब्ध हो पाया, उस घटना की जानकारी क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को जो धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सबने जो स्थानीय चैनल हैं उन्होंने वास्तविक और सच्चाई को उजागर करने का काम किया है, और जो नेशनल चैनल हैं, जो राष्ट्रीय चैनल हैं, उन लोगों ने अभी तक हमारे इस न्यूज़ को ना ही लगाई है ना ही लोगों तक पहुंचाई है। इसीलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और जिस दिन जो घटना हुई थी उस घटना को लेकर मैं आपको विस्तृत बताता हूँ कि जो उद्घाटन था जिला स्तरीय जो हमारे लसड़िया ब्लॉक में था, और उसका निमंत्रण एमएलए साहब और मुझे जिला अध्यक्ष होने के नाते दिया गया था, और निमंत्रण दिया इस वजह से हम सब एमएलए साहब के साथ में गए। निमंत्रण मुझे भी दिया था। तो वहाँ जाने के बाद में कन्हैयालाल जी के जो पर्सन जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने नारेबाजी लगाना स्टार्ट कर दिया, और थावरचंद जी मुर्दाबाद इस तरह के नारे लगाए, और हम मंच पे गए थे तो हमारे साथ धक्का मुक्की हुई और प्रशासन मुखदर मतलब देख रहा था प्रशासन। आपको क्या लगता है वो आपके जाने के बाद भीड़ आई या फिर पहले से पूर्व नियोजित? वो हमारे जाने से पहले ही उनका जो भीड़ इकट्ठी कर रखी थी, और उन्होंने बिल्कुल षड्यंत्र रखा, क्योंकि वो पहले से जो घटना हमारे साथ करने वाले थे, एमएलए साहब के साथ में जो झड़प हुई, मेरे साथ हुई, सरपंच साहब के साथ में हुई, उन्होंने नशे मतलब नशा कर रखा दारू का, जिससे वो कि उनके हाथ पैर भी मतलब जमीन में टिक नहीं रहते। तो उन लोगों कहीं ना कहीं उन लोगों को षड्यंत्र रचकर हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करवाया। तो उसके बाद वो जो वीडियो सब तरफ वायरल हो रहा है, प्रशासन तक नहीं गया वो वीडियो? प्रशासन को हमने जिस दिन घटना हुई कुछ दिन से लगाकर आज दिन तक जितने वीडियो जितने फोटो सब अवेलेबल करवा दिए, और जो व्यक्ति एक कर्मचारी है और वो कर्मचारी और वो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, उसने उस निमंत्रण में लिखा कि कोई मुख्य अतिथि नहीं है, लेकिन वो कमेटी का सदस्य होते हुए वो एक कर्मचारी एक दिन पहले ही वो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है कि प्रधान साहिबा और कन्हैयालाल जी मुख्य अतिथि के तौर पे पधार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो कमेटी है उन्होंने हम लोगों को गुमराह किया है। ये झगड़ा का मूल जड़ वहाँ की कमेटी है, और उन कमेटी ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया, और इस वजह से आज ये इतनी मतलब धरना का बड़ा रूप यहाँ तक ले लिया है। उसके बाद में जैसे वो गिरफ्तारी की मांग है, कुछ दो दो प्रकार के फोटो वायरल हो रहे हैं, वो जो लड़के जिन्होंने मैसेज वायरल किया उनको तो बता रहे नाबालिग और डिटेन कर लिए, गिरफ्तार कर लिए, जिन लोगों के साथ में खिंचातान हुई मारपीट हुई सब बताया जा रहा है उनको कर लिया गिरफ्तार? जिन लोगों के साथ गिरफ्तारी मतलब जिन लोगों ने मुक्केबाजी की और वीडियो में बता रखा है कि एमएलए साहब के साथ भी खिंचातानी हुई और मेरे साथ भी हुई, उन लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। सर वो जो कन्हैयालाल जी है उनके साथ में सरपंच वो बयानबाजी में कह रहे हैं कि प्रधान साहिबा के साथ में खींचतान करे कुछ ऐसा कुछ वो उनकी तरफ से बयान, उसमें क्या सोचते हैं? प्रधान साहिबा के साथ हम लोग तो वहाँ जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो 20 लोग ही थे, कम से कम 20 लोग में कम से कम 10 लोग तो कमरे के अंदर थे और 10-5 लोग बाहर थे। उनकी भीड़ इतनी 500 लोगों की भीड़ में हम 5 लोग कहाँ खींचतान कर देंगे? उन लोगों ने पहले से मतलब प्लानिंग थी, और प्लानिंग थी कि वहाँ प्रशासन भी की भी मतलब बिल्कुल गैर मौजूदगी जैसा हमें लगा, क्योंकि प्रशासन खड़ा था और हमारे साथ इतनी मारपीट कर रही, तो प्रशासन हम लोगों को बाहर धक्का निकाल के दे रहे हैं, और एमएलए साहब को उन्होंने प्रशासन कहा आप निकल जाओ, वहाँ का एमएलए साहब जनप्रतिनिधि है वर्तमान एमएलए, फिर उनको इस तरह प्रशासन खुद बाहर निकलना है और प्रशासन साथ में रहकर उनका अपमान करवाया, और प्रशासन ने इनको बाहर जाने के बाद में उन लोगों को उद्घाटन करवाया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और इन सब की मिली भगत की वजह से आज इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, और आज शांतिपूर्ण तरीके से आज 5वां-6वां दिन है, फिर भी हमारा अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं की। अब प्रॉपर लसड़िया से 2 दिन वहाँ धरना चला और अभी यहाँ पे भी चल रहा है, क्या रिस्पॉन्स आया? अभी तक हम शांतिपूर्ण तरीके से दे रहे हैं, और धरना का आज आपके सामने बहुत बड़ा रूप ले चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई जूं तक नहीं रखी है। बीएपी जिला अध्यक्ष एक जिम्मेदार पद है और विधायक महोदय एक जिम्मेदार पद है, आपसे इन लोगों ने कुछ बातचीत करना चाहिए प्रशासन वगैरह और कोई नहीं? प्रशासन ने हर बार बात करने के बहाने टालने की कोशिश की,
हम लोगों ने इसकी सुन बताया, वीडियो में बताया, स्पष्ट नारे लगा रहे हैं, स्पष्ट उन लोगों ने गलतियां की हैं, फिर भी प्रशासन पता नहीं किसके दबाव में आकर काम कर रहा है। प्रशासन अभी तक 6 दिन हो गए, 6 दिन में किसी भी तरह से कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। वो ऑडियो जो वायरल हो रहा है, आदिवासियों को मारो और घर जला दो, उसको लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि आज देश आज़ाद हुए, देश आज़ाद होने के बाद में यहाँ के जनप्रतिनिधि ऐसे गए हैं जो विधानसभा और लोकसभा में यहाँ की स्थानीय समस्या, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन मुद्दों को आज दिन तक नहीं उठाए। जो ये हमारा संगठन भारत आदिवासी पार्टी के जो MLA गए हैं, उन MLA ने और लोकसभा में जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सभी समुदाय को साथ लेकर चलने की जो बात रखी, और यहाँ पर हमारे क्षेत्र में आज सभी समुदाय धीरे धीरे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों के समय से ये परंपरा चल रही थी कि हम सबको साथ में लेके चलने की। हमारे पूर्वज साथ में लेके चलते थे, गांव में साथ में रहते थे। हमारे गांव में भी पहले एक ज़माने में हमारे एक ही गांव था, दूसरे समुदाय का एक ही घर होता था, फिर भी उनको हम आराम से वो रहते थे, उनको ना कोई किसी तरह का खतरा है। फिर भी आज हम सब साथ में लेके चल रहे हैं, रोजगार, शिक्षा सबकी बात कर रहे हैं, वो उनको पच नहीं रही है। कहीं ना कहीं वो लोग बौखला गए हैं, इसलिए आज हमारी जो आवाज़ है स्वतंत्र जारी है, उसको रोकने का काम कर रहे हैं। जिस तरह राजकुमार जी पूरे देश में सभी लोगों को हित के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आज उनको भी कहीं ना कहीं दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को ये लगने लग गया है कि आम लोगों की समस्या वहाँ तक जाने लगी, तो उनका जो वजूद है जो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वो खुद वहाँ तक आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, इसीलिए उनको ये बौखला गए हैं। और बौखला का ये परिणाम है कि जहाँ जहाँ देखा जाए, जहाँ जहाँ आदिवासियों को मारा जाए, और जिस व्यक्ति को संसद में इस काम के लिए भेजा है, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा के लिए भेजा है, और यहाँ के जो स्थानीय यहाँ के लोकसभा क्षेत्र की मांगों को उठाना चाहिए, न कि वो धर्म को लेकर उठाना चाहिए, क्योंकि वो सभी धर्मों के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों के लोगों ने उनको वोट दिया है, तो उसकी प्राथमिकता बनती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे बात करें, लेकिन मन्ना लाल जी के आज उनके गांव में जाके देखो, ना रोड है, ना CC रोड है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, वहाँ लोग परेशान हैं और वो बयानबाजी आपस में भिड़वाने की कर रहे हैं। मैं सबसे ये इस यहाँ से आह्वान, मतलब यहाँ से कहना चाहता हूँ, एक संदेश देता हूँ कि ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आए। भारत आदिवासी पार्टी एक लोकतंत्र को बचाने के लिए और सबको साथ में लेकर चलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में आनंद जी भूत, जो BAP के जिला अध्यक्ष हैं, और इनके साथ में जिस दिन वो खिंचा था, वो एक तस्वीर में आपको दिख रहा, दूसरी तरफ वाले ये हैं। इन्होंने बताया कि वास्तव में उस दिन क्या क्या हुआ था और क्या नहीं, आप इस वीडियो को देख करके क्या विचार रखते हैं, और धरने का जो प्रोसेस चल रहा है अब तक जो न्याय नहीं मिला उसको लेकर के भी आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार मिस्टर जन।